जी, तो अभी जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के टॉप के ऊपर। तो असल में दुबई मॉल के अंदर बेसिकली कैमरा यूज़ करना अलाउ नहीं है। विदाउट परमिशन दुबई मॉल में कैमरा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से दुबई मॉल में आके हम वीडियो बना मतलब बुर्ज खलीफा में आके अभी वीडियो बनाना शुरू की है। जी, तो अभी जा रहे हैं जी हम लिफ्ट की तरफ। तो ये रास्ता बेसिकली लिफ्ट की तरफ जा रहा है और काफ़ी देर से भी चलते चले जा रहे हैं हम। लिफ्ट आने को नहीं दे रही। देखते हैं अभी कितना आगे है मज़ीद लिफ्ट। तो ये यहाँ से मेरा ख़्याल है कि लिफ्ट की लाइन स्टार्ट हो गई है वहाँ भी आगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन लगी हुई है सारी आगे। तो ये इन्होंने एक स्क्रीन्स लगाई हुई है डिफरेंट जगहों के ऊपर, जहाँ पे बुर्ज खलीफा न्यूज़ के हवाले से, न्यूज़ एट द टॉप के हवाले से भी डिफरेंट इवेंट्स जो यहाँ पे होते हैं बुर्ज खलीफा में, वो इवेंट्स बेसिकली दिखा रहे हैं यहाँ पे। अभी ज़रा चलते हैं, देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर क्या माहौल है, लिफ्ट कितना टाइम लेती है ऊपर जाने में। तो लेट्स सी आगे की ओर, क्योंकि 124वें फ्लोर तक जाना है, 125वें फ्लोर तक तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे। तो ये देखें, 440 मीटर्स की हाइट के ऊपर था जब ये 124वें फ्लोर पे थी, और इसका मतलब है तकरीबन आधा किलोमीटर की हाइट बनती है। टाइम तकरीबन 18 सेकेंड हो चुके हैं तक इसको स्पीड से चला रही है। ये देखना है कि लिफ्ट के अंदर बैठ के कैसी फीलिंग आती है, कि क्या कुछ फील होता भी है या नहीं होता। सुना है कि लिफ्ट के अंदर का जो दरवाज़ा खुलना है और हमें ऊपर चले जाना है। अच्छा जी, लिफ्ट के अंदर। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल ही अंधेरा है भाई अंदर। ये देखें अब आगे आगे देखें होता है क्या। एक वाह यार, 124वें फ्लोर तक पहुंच भी यार, बता भी नहीं चला। लिफ्ट के अंदर का माहौल देख के तो मुंह खुला खुला ही रह गया था, और अब ये देखें, वाह सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त व्यू है जबरदस्त। ये इस वक्त हम जी मौजूद हैं 124वें फ्लोर के ऊपर बुर्ज खलीफा के। इधर ही मैंने एक फाउंटेन डांस की वीडियो बनाई है ऊपर से, वो भी अपलोड करूँगा आज या कल में। एक फाउंटेन डांस वो नीचे से देखा ना, एक हमने ऊपर से भी देखा। हर किसी को ये नसीब नहीं होता। हमारी टाइमिंग ज़रा मैच हो गई थी कि हम ऊपर मौजूद थे और नीचे उस वक्त फाउंटेन डांस हो रहा था। लेकिन इस वक्त आप यहाँ से व्यू चेक करें सिर्फ। यह आगे ग्लास की वॉल है, यहाँ पर लोगों का रश लगा होता है। इस वक्त भी काफ़ी रश है, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। कोई जगह दे दे तो बंदा वीडियो बनाए सुकून से। थंबनेल के ऊपर जो पिक्चर लगी हुई है, वो पिक्चर बनाने में भी थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। कभी एक आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है।
कोई नहीं, खैर है। ये है 124वां फ्लोर और इसके ऊपर भी अभी कितनी बिल्डिंग मौजूद है देखें ज़रा। ऊपर ऊपर हर कोई नहीं जाता, कोई खासम खास लोग हैं, सुना कोई रेस्टोरेंट है ऊपर, इतना मुझे भी अभी आइडिया नहीं है। इसके आगे तो बाकी सारी बिल्डिंग्स छोटी लग रही है भाईजान। चलें अभी थोड़ी देर में ज़रा ऊपर भी जाते हैं, ऊपर का व्यू देखते हैं 125वें फ्लोर से कैसा व्यू आता है। लेकिन ज़बरदस्त देखते हैं ज़रा, अभी ऊपर चलते हैं थोड़ी देर में, ज़रा यहाँ के व्यू देख लें। चलें अब चलते हैं ज़रा 125वें फ्लोर के ऊपर। हट जाओ भाई आगे से, रास्ता दे दो बच्ची। साइड से ओवरटेक कर लेते हैं इनको। अच्छा जी ये तो है जी, अब आ गए हैं हम 125वें फ्लोर के ऊपर। यहाँ से आगे क्या हालात हैं देखते हैं। उस तरफ रश था तो मैं इधर इस तरफ निकल आया, क्या बात है। ये है जी व्यू 125वें फ्लोर से। ये दूसरी साइड है जो नीचे से मैंने वीडियोस बनाई थी, वो एक साइड की थी, जो ये मैं 125वें फ्लोर के ऊपर आके वीडियो बना रहा हूँ, या ज़रा दूसरी साइड के ऊपर आके बना रहा हूँ। अच्छा जी अभी हमारा टाइम भी पूरा होने वाला है, नीचे हमारा डिनर का एक इंतज़ाम है, नीचे एक तुर्किश रेस्टोरेंट है, तो बस यहाँ से निकलना ही करते हैं, क्योंकि अभी वापसी के लिए लिफ्ट में भी काफ़ी लाइन में लगना पड़ेगा, काफ़ी रश होता है वापस जाने वाले लोगों का। तो बस ख्याल है कि सब लोग इधर भी इकट्ठे हो रहे हैं, मैं भी निकलता हूँ। तो जाते हुए आपको वापसी की लिफ्ट का भी माहौल दिखाएंगे, ज़रा वापसी पे एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। ये देखें जी व्यू फ्रॉम 125th फ्लोर। अच्छा जी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।